तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप थ्री बेस्ट सैमसंग 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, सुपर एमुलेट डिस्प्ले नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा OIS, 6000 mAh का बैटरी और भी काफी तगड़े तगड़े फीचर। तो आपको अगर चाहिए 15,000 के अंदर सैमसंग की बेस्ट 5G स्मार्टफोन तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। बिना टाइम वेस्ट के इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस है सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A15 5G जो एक बजट सेगमेंट की डिवाइस है। तो क्या कुछ फीचर मिलते हैं एक एक करके जान लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले लुक एंड डिजाइन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलेगा, रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट पे आपको यू नॉच मिलेगा। ओवरऑल डिवाइस की लुक काफी प्रीमियम है, कैमरा सेटअप की वजह से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम फील देगा। वहीं पे डिवाइस के वेट की बात किया जाए 217 ग्राम वेट है, तो थोड़ा सा हैवी है। तो दोस्तों, नेक्स्ट फीचर इस डिवाइस के हाईलाइटेड फीचर है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD+ सुपर एमुलेट डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जा रहा है जो काफी अच्छी बात है, और इंडिया पे एक फर्स्ट टाइम होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो दोस्तों, प्राइस के हिसाब से डिवाइस की क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल रेजोल्यूशन की साथ। तो दोस्तों, आप अगर कंटेंट कंज्यूम के लिए इस डिवाइस को लेना चाहते हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस के साथ जा सकते हो। उसकी बात करें इस डिवाइस के कैमरा की तो कैमरा सेक्शन भी काफी तगड़ी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे इस डिवाइस की जो मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। तो दोस्तों, अंडर 12,000 में आपको मैक्रो भी मिलते हैं और वाइड एंगल कैमरा भी मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। अदर्स कोई भी ब्रांड इतने सारे फीचर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा इस प्राइस पॉइंट पे, तो प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वहीं पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छा है। जैसे कि पता है कैमरा के लिए फेमस है सैमसंग के डिवाइस, तो आप कैमरा सेंटिंग के लिए भी इस प्राइस पॉइंट पे इस डिवाइस को आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आप बात कर रहे थे इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ 5G चिपसेट जो 6nm पे बेस है। तो दोस्तों, ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है, जो काफी अच्छी बात है। बात किया जाए इस डिवाइस के रैम रोम की तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 4GB+128GB, 6GB+128GB। सिर्फ दोस्तों यही नहीं, इस डिवाइस पे आपको और एक हाईलाइटेड फीचर मिलता है, जहाँ पे आपको इस डिवाइस पे 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है। हाँ दोस्तों, 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलता है, जहाँ पे ये डिवाइस 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एक बुरी बात है इस डिवाइस पे, आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर को आपको सेपरेट से खरीदना पड़ेगा। वहीं पे बात करें इस डिवाइस के अदर फीचर की तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, 3.5mm जैक मिलेगा। उसके साथ साथ ये डिवाइस एंड्रॉइड 14 और One UI 6 पे रन होने वाले है। तो दोस्तों, ये तो गए इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस वेरिएंट है 4GB+128GB उसके करंट टाइम पे 13,000 प्राइस है, पर ज़्यादातर टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसकी जो प्राइस है वो अंडर 12,000 आ जाता है। वहीं पे जो 6GB+128GB वाला वेरिएंट है उसकी करंट टाइम पे प्राइस 14,500। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी बाय कर सकते हो, काफ़ी शानदार सा डिवाइस है। क्योंकि ये जो डिवाइस है ये आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A14। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का फुल HD+ LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 90Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे बात करें कैमरा की तो आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप मेन कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा, जहाँ से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों, बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला
Exynos 1330 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस्ड है, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। और दोस्तों रैम रोम में यहाँ पे आपको बेस वेरियंट पे 4GB रैम 128GB रोम मिलेगा, अदर और एक वेरियंट है जब आपको 6GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6000mAh का लार्ज बैटरी, जहाँ पे आपको 25W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। पर आपको इस मोबाइल के साथ एडाप्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डाटा केबल ही मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है सैमसंग की मोबाइल के साथ। और दोस्तों इस डिवाइस में सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की जो सपोर्ट है वो भी दिया गया है। वहीं पे बात करें ओएस की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 13 रन मिलेगा, उसके साथ साथ वन यूआई कोर 5.0 वर्जन होगा इसकी ओएस का। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर, आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे 4GB प्लस 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस 12,000 है। और दोस्तों उसके साथ साथ जो दूसरा वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB उसकी प्राइस 13,500 है। दोस्तों आप अगर कोई भी सेल पे इस मोबाइल को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट की प्राइस 11,000 के आसपास आ जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा सा एक डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए एक डिवाइस 5G वाला, तो इसके साथ जरूर जा सकते हो, काफी शानदार सा ये मोबाइल है। तो दोस्तों डिवाइस का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। तो एक एक करके इसकी सभी फीचर को जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों फ्रंट और रियर की दोनों कैमरा काफी अच्छी है। और दोस्तों जैसे कि पता है सैमसंग की मोबाइल उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में जाने जाते हैं, तो इस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी काफी तगड़ी होने वाला है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है Exynos 1280 5G चिपसेट जो 5nm पे बेस है। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम और 128GB रोम भी मिल जाएगा। और दोस्तों इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी होने वाले, यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 1000 निट पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो काफी तगड़ी है। दोस्तों और एक चीज इस मोबाइल की अच्छी लगी, यहाँ पे आपको 6000mAh का लार्ज बैटरी मिलेगा विद 25W फास्ट चार्जिंग। सिक्योरिटी पे यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों सैमसंग की इस मोबाइल पे आपको 5 ईयर के अपडेट मिलने वाला है। हाँ दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए ये मोबाइल काफी अच्छे ऑप्शन हो सकती है। वहीं पे बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 16,500 के आसपास रहता है। पर कोई भी सेल आता है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसकी जो प्राइस वो 15,000 के आसपास आ जाता है। तो इस प्राइस पर आप अगर एक 5G बेस्ट कैमरा मोबाइल को ढूंढ रहे हो, तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो।